फैमिली स्वागत है आपके को नई वीडियो में। भाई आप लोग काफ़ी लकी हो जिन्होंने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करा है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अंदर की बात थोड़ी आपके सामने रखने वाला हूँ। देखिए थोड़ी सी रख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं रख रहा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात रख रहा हूँ। ठीक है, देखते रहना, सारी वीडियो को आपको देखना है। और ये वीडियो आपको ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर काफ़ी लोगों से आगे कर देगी। ठीक है, आपने ऑल्टकॉइंस के बारे में सुना हुआ है, सोलाना है, बीएनबी है, जितने भी ऑल्टकॉइन है, ठीक है, उनमें आपने ना एक चीज एक्सपर्ट के मुंह से सुनी होगी कि भैया इसके अंदर डेवलपमेंट है, इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि किसी एक ऑल्टकॉइन के बारे में आपने मेरे से पूछा कि भैया सोलाना के बारे में बताओ, सोल कैसा है। ठीक है, तो मैंने आपको अगर ऐसा आंसर दिया कि भैया इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, तो ये मुझे कैसे पता लग रहा है कि इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। आज की वीडियो में आपको यही समझाने वाला हूँ कि आप खुद कैसे फाइंड आउट कर लें कि डेवलपमेंट अच्छी है या बुरी है, टीम एक्टिव है या टीम एक्टिव नहीं है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट चाहूँगा मेरे भाई, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके सामने कोई नहीं रखेगा, 100% कोई नहीं रखेगा, मैं रख रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो लोगों से आप प्यार करते हो, जो लोगों को आप सिखाना चाहते हो मार्केट के बारे में। ठीक है, अब मार्केट में ऑल्टकॉइंस तो बहुत सारे हैं, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, कोई सा भी ऑल्टकॉइन आपके पास, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको सिंपल एक स्टेप करना है, वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ सोलाना के बारे में, मैंने लिख दिया सोलाना, मैं अभी गूगल के ऊपर हूँ, आप भी ऐसे कर सकते हो, सोलाना और आगे लिखना गिटहब। गिटहब मैं आपको बता दूं, जो डेवलपर्स होते हैं ना मेरे भाई, जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं, उनके लिए एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि वो आके काम करते हैं। ठीक है, समझ गए आप, मतलब कि जो भी डेवलपर होगा वो गिटहब के ऊपर काम करता है। ठीक, अब जो डेवलपर है वही तो डेवलपमेंट करता है मेरे भाई ऑल्टकॉइंस के अंदर, और कौन करता है। अब अगर आपको उन डेवलपर्स की एक्टिविटी पता हो कि भैया वो लोग एक्टिव भी हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर या नहीं भी हैं किसी ऑल्टकॉइन के अंदर, उससे आपको पता लग जाएगा कि हालात अच्छे हैं या बुरे हैं। एक्टिव नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, हालात बुरे हैं प्रोजेक्ट के, डेवलपर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे अब काम नहीं होने वाला इसमें। अगर अच्छे हैं तो डेवलपर्स मेरे भाई लगे हुए हैं। ठीक, समझ गए। अब मैं आ गया यहाँ पर, गिटहब की वेबसाइट है, मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ना ऐसा कुछ भी नहीं खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने कैसा खुलेगा, लेट मी शो यू कैसा आपके सामने खुलेगा। दोबारा से मैंने खोल दिया, ठीक है, आपके सामने ना कुछ इस तरह से खुलेगा। अब इसको ना आपको क्या करना है, इसको करना है आपको पहले डेस्कटॉप साइट, आपके फ़ोन में है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रोम में डेस्कटॉप साइट का, इससे क्या होगा जो डेस्कटॉप वाली साइट है ना वो खुल जाती है, जैसे कि अब खुल गई है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे भाई, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें। रीज़न क्या है कि यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में नहीं है, मतलब कि आप पढ़ सकते हो इसे, लेकिन भाई आपको समझ नहीं आना क्योंकि डेवलपर्स की लैंग्वेज है। अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो ऊपर लिखा हुआ ना ऑप्शन है सोलाना लैब्स, इसके ऊपर आप करो क्लिक। क्लिक करने के बाद भाई ये आ गए हम सोलाना लैब्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आपको सोलाना के अंदर क्या काम चल रहा है, सोलाना लैब्स का ही सोलाना टोकन है, उसके अंदर क्या काम चल रहा है मेरे भाई वो आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जो रिपोजिटर वाला ऑप्शन है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लो, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको रिपोजिटर कितने हैं, 135 है, यानी कि 135 डेवलपर्स इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं, अभी उनकी एक्टिविटी आपको नहीं पता, लेकिन जितने ज़्यादा होंगे ना मेरे भाई उतना ही बढ़िया। मान लो 200 होते, 300 होते, 400 होते, 500 होते, या कितने होते, जितने कम उतने बेकार, जितने ज़्यादा उतने बढ़िया। ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि भैया काम चल भी रहा है नहीं चल रहा, इसको ना थोड़ा सा जूम आउट करो, और ये सारा ना काम है जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, और इसके सामने जो है ना मेरे भाई ये जो आपकी लाइंस बनी आ रही हैं, ये लाइंस देख रही है आपको ग्रीन वाली, ये दिखा रही है कि किस क्षेत्र में, किस एरिया में कितना कितना काम हुआ है। देखिए जितनी ज़्यादा ये लाइन हिली हुई होंगी ना, जैसे कि ये बहुत हिली हुई है, ठीक है, कुछ लाइन यहाँ पर फ्लैट है, जैसे कि इसमें बहुत कम काम हुआ है, आपको ओवरव्यू में देखना है, मतलब कि सबको ना एक निगाह में देख लो कि ज़्यादातर लाइन जो है ना वो जिगजैग होनी चाहिए। अगर फ्लैट है, फ्लैट का मतलब उस एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है, वो ग्रे एरिया है। अगर जिगजैग लाइन है तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में काम चल रहा है, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतने सारे काम चल रहे हैं और इसमें जिगजैग लाइन है, इसका मतलब क्या है कि भैया हाँ अच्छी बात है कि सोलाना के अंदर, अच्छी बात है कि सोलाना के अंदर जितने भी अभी डेवलपर्स लगे हुए हैं वो एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। भाई सिर्फ इतना सा स्टेप अगर आपको आ गया ना ये जानना, तो आप मात नहीं खाओगे मार्केट के अंदर 110%।
अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पर सोलाना का क्या है। सोलाना के अंदर काम कुछ कुछ क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो एरियाज है ना उनमें सोलाना के ऊपर चल रहा है काम। अब मैं आपको कुछ और एरियाज दिखाता हूँ, जैसे कि आपने ये चार्ट देख लिया, अब मैं आपको और किसी चीज़ का गिटहब दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं शिबा इनू का, ठीक है। मैं आपके सामने सारी एग्जाम्पल की एक्टिविटी रख रहा हूँ, शिबा इनू देख लो, शिबा इनू। आपको बेसिकली काम पता लग जाएगा, गिटहब के ऊपर आ गया, ठीक है। इसको बैक कर देता हूँ एक बार, हम खोलेंगे फायरफॉक्स से, ठीक है, किसी से भी खोलिएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मेरे भाई डेस्कटॉप साइट, ये हमारा आ गया शिबा इनू। रिपोजिटर कितने हैं मेरे भाई, देखो वहाँ पर कितने रिपोजिटर थे, यानी कि काम करने वाले कितने थे, वहाँ पर थे आपके 154 के करीब, ठीक है, ज़्यादा थे कम थे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो मात्र 24 ही हैं मेरे भाई, यानी कि खतरा, समझे, खतरा। आओ ये भी देख लेते हैं कि कितने काम कर रहे हैं, आ गए भाई, इन इन एरियाज में काम होना चाहिए, कितना काम हो रहा है। अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, सारी लाइनें यहाँ पर फ्लैट पड़ी हैं। इसका मतलब समझो मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि सिर्फ हाइप बनाई जा रही है, अंदर काम नहीं चल रहा, अंदर जो है डेवलपर्स एक्टिव ही नहीं है। इस तरह से आप चेकआउट करो सारे ऑल्टकॉइंस के, ठीक है, बहुत ईजी है। गिटहब एक वेबसाइट है, इसमें डेवलपर्स का पता लग जाता है कि एक्टिव है या नहीं है, टीम एक्टिव नहीं है। अब मुझे शिबा इनू का पता लग गया मेरे भाई, अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइस का उठेगा गिरेगा, लेकिन एक है अंदर कि भैया शिबा इनू के अंदर काम नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा लगे बुरा लगे ये मैंने आपके सामने दिखा दिया है, अब मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ मेरे भाई। अब इसमें क्या ही बताऊँ मैं, कोई अपडेट होगी शिबा इनू की फॉर श्योर आगे मैं कवर करूंगा, लेकिन मेरे भाई जहाँ काम नहीं चल रहा वहाँ तो बताना ही पड़ेगा ना क्या काम नहीं चल रहा। अब चलो किसी और ऑल्टकॉइन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल किसी का भी आप देख सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मेरे भाई, सोलाना हो गया, BNB हो गया। एक काम करते हैं थीटा कॉइन देखते हैं, THETA थीटा कॉइन, ठीक है, थीटा आ गया, इसको भी डेस्कटॉप में डाल देते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप साइट बना दी है मैंने। कितने रिपोजिटर हैं भाई, मात्र 45 रिपोजिटर हैं, यानी कम है, ठीक है। काम चल रहा है क्या, नहीं यार नहीं चल रहा भाई, काम नहीं चल रहा थीटा के अंदर। आप ऑल्टकॉइंस को चेकआउट करो मेरे भाई, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये मेरी एक वीडियो थी, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, ज़्यादा हार्ड वीडियो नहीं बनाई है, गिटहब का आपको पता लग गया होगा। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करो गिटहब क्रिप्टो करके, ठीक है। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इस चीज़ की तो आपको इन डेप्थ वहाँ मिल जाएगी, लेकिन ये कुछ अंदर की बातें हैं जो कि आपके साथ कोई नहीं शेयर करता। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक बंदा लर्न करे, अर्न करे और कहीं ना कहीं अंदर की बातें जाने, ताकि आप लोग समझदार बने मार्केट के अंदर। किसी को भी ऐसे फॉलो ना करें, समझदार बने। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, और लाइक ज़रूर करना मेरे भाई, लाइक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है।